विकास कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हो रहे हैं उससे हम सब लोगों को राहत है। तो मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। पहले नंबर एक, सभी किसानों को किसान निधि मिल रही है, सभी किसानों को मुफ्त राशन मिल रहा है और ग्रामीण में लाइट व्यवस्था सही है। लेकिन बूढ़ा दाना में घर के बाहर बैठना दुर्लभ है। और क्या, बूढ़ा दाना में हम लोग घर के बाहर नहीं बैठ पाते। आज हम औरैया जनपद के ग्राम बूढ़ा दाना ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। ये वही बूढ़ा दाना है कि आज के एक शतक पहले बूढ़ा दाना को जनपद औरैया में लोग नहीं जानते थे कि कोई ग्राम पंचायत बूढ़ा दाना हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे साथ में प्रधान जी है, मोहित प्रधान, मोहित सिंह बैठे हुए हैं। इनकी मेहनत, इनका जुनून, इनका जज्बा कहिए या कुछ भी कहिए, ये युवा होने के बावजूद भी आज बूढ़ा दाना पूरे औरैया जनपद में नहीं, अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रथम हम अगर पंचायत का अगर दर्जा दें तो उसमें कोई सहयोगति नहीं होगी। हमने अपने विजुअल के द्वारा अभी आपको दिखाया कि ग्राम बूढ़ा दाना में क्या क्या विकास हो चुके हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा का बिगुल बज चुका है, लोकसभा का चुनाव और नई सरकार का गठन होने जा रहा है और यहाँ पर लोग बूढ़ा दाना के लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं और चुनावी चर्चा के तहत आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके दिलों में क्या है। ये जो वोट देने जाएंगे तब इनके दिल में क्या होगा, वोट देने जाएंगे तो इनके मस्तिष्क में क्या होगा, इनके विचार क्या होंगे, ये क्या सोच के वोट डालने जाएंगे। आइए हम सबसे बात करते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। चुनावी यात्रा में मैं न्यूज़ वन इंडिया में आशु भदौरिया, मैं बूढ़ा दाना में इस समय उपस्थित हूँ। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रधान जी से बात करते हैं, मोहित सिंह जी से। मोहित सिंह जी, आप इतनी कम उम्र में इस बूढ़ा दाना को एक छोटे से जिले से लेके आपने प्रदेश लेवल तक पहुंचा दिया, उसका रीजन क्या है, जुनून है या जज्बा है या एक नशा है? ये ना नशा है ना जुनून है, ये सभी ग्रामवासियों का सहयोग है। इन सब की अपेक्षाएं थी हम पे और हम यहाँ आए, सबका सहयोग मिला। सबका जब सहयोग मिला तो मैंने सबके मार्गदर्शन से, सभी लोगों के सहयोग से जो विकास कार्य थे वो कर रहा हूँ और निरंतर करता रहूँगा। यही मेरा एक उद्देश्य था और सेवा करने का भाव था और सेवा करता रहूँगा। प्रधान जी, और इस समय पीक पर चल रहा है, रामशंकर कठेरिया जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जितेन दौरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और फिर प्रत्याशियों की तो झाड़ी लगी हुई है, अपना दल, फलाना दल, शोषित दल, संविधान बचाओ दल। लेकिन मुख्य मुकाबला अगर कहें तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। तो प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी क्या है, मतलब दोनों में कम्प्रोमाइज? मैं आपको साफ कर दूं, चुनाव बहुत ही अच्छा पीक पे चल रहा है और जो बीजेपी का प्रत्याशी है माननीय रामशंकर कटेरिया जी, वो बहुत ही अच्छी लीड से इटावा लोकसभा जीतेंगे और जीतना भी चाहिए क्योंकि विकास कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हो रहे हैं उससे हम सब लोगों को राहत है और सब लोग कुछ विकास कार्य रामशंकर कटेरिया की भी बता दीजिए। रामशंकर कटेरिया के विकास कार्य हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कई सारी ट्रेनें नहीं रुकती थी, अभी अस्पताल जो बन रहा है यहाँ पे, एक हॉस्पिटल बन रहा है उसका का नाम मेडिकल कॉलेज, उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। दिव्यापुर में बस स्टैंड नहीं था, पूर्व सरकार का था ये, उसमें रामशंकर कटेरिया का योगदान। पूर्व सरकार में 100 सैया अस्पताल था, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो सांसद जी के कार्यकाल में ही है, माननीय लाखन सिंह राजपूत जी के उस पे नेतृत्व में उन्होंने बहुत ही पैरवी की, तब जाके वो यहाँ पे मिला। दिव्यापुर में बस स्टॉप जो कि बहुत दिनों से नहीं था वो सुचारू रूप से चालू है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी या कांग्रेस का मैनिफेस्टो, वोट किस पर जाएगा? मोदी जी की गारंटी और मोदी जी पे जनता विश्वास करती है, उन्होंने अपना कर्तव्य निष्ठा से पालन किया और आगे भी अपेक्षा यही है कि मोदी जी को हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी के अंदर कैसी खासियत है, क्या खासियत है मोदी जी के अंदर, क्या विजन है मोदी जी के अंदर, क्या सोच है,
मोदी जी के अंदर क्या सा प्रभाव है, क्या मतलब पब्लिक में वो पड़ता है जो लोग मोदी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। पहले नंबर एक, सभी किसानों को किसान निधि मिल रही है, सभी किसानों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और ग्रामीण में लाइट व्यवस्था सही है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना सही है, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना सही है, मोदी जी ने जो गारंटी दी। लेकिन सर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, देश बेच दिया, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं सर, इसमें क्या सच्चाई है सर, ये क्या है? सर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे पहले पूछिए 10 साल में जो इंडियन रेलवे का हाल था कितना ख़राब था। सारी डबल लाइन हो गई, सिंगल ट्रैक से डबल ट्रैक हो गए, एक छोटे से छोटा स्टेशन जो बड़े से बड़ा स्टेशन था सभी का निर्माण कार्य चल रहा है, सब पर डेवलपमेंट हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और रेलों का सुचारू रूप से चल रहा हुआ है, और मेन लाइन और डबल लाइन इधर अपना ये दिल्ली हावड़ा रूट और अपना मेल स्पेशल सारी चीज़ें चल रही। मोदी जी का कार्य सर बहुत ही सराहनीय कार्य है। मोदी या फिर राहुल गांधी? नहीं, मोदी सबका साथ सबका विकास, मोदी की गारंटी, इस हिसाब से सरकार चल रही है, ऐसा सब कुछ देखने में मिल रहा है। दादा ऐसा तो नहीं कि प्रधान जी के आप पास बैठे हैं तो मोदी जी की बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, हमको घोर सफाई थे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में और मोदी जी के काम से खुश होके इसमें आ गए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी हम जब आ रहे थे यहाँ से आ रहे थे कला मुख्यालय से, तो हमको लोगों ने बताया कि भैया जल्दी, हमने कहा क्यों जल्दी चले आए रात, बोले नहीं भैया आप तो रात की चाहे 12 बजे आओ, चाहे 1 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ, लेकिन पहले स्थिति ये थी कि लोग 8 बजे यहाँ से निकल लेते के लिए डरते थे, इसमें क्या सच्चाई है? निकलने की तो बात ये है कि बूढ़ा दाना में घर के बाहर बैठना दुर्लभ था, और क्या, बूढ़ा दाना में हम लोग घर के बाहर नहीं बैठ पाते थे, मतलब रात को 8 बजे आप लोग घर के बाहर नहीं बैठ पाते, डर लगता था। अब तो ये है कि चाहे जहाँ चाहे जितने टाइम पे चाहे ना आओ, जिन्नी पे लुट जाते, और क्या, इतना आतंक था, अरे बहुत आतंक था। उसी का नतीजा मिला है, उसी का नतीजा। साहब से, साहब से मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अखिलेश अच्छा नहीं लगता? अरे कैसे, अखिलेश कैसा है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, क्या करवाता है? अरे खेती जमीन में कब्जे करवाता है, जमीन में कब्जे करवाता है, गुंडागर्दी करवाता है, सब जानते हैं, लूट करवाता है। अच्छा सर आप करें अरविंद सिंह, क्या इस चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किस दिन वोट पड़ेंगे, किस तारीख को? 13 तारीख को। किसको वोट देंगे? भाजपा का, खुले मोदी को। जन कार से हम गए थे, जब मारे गए थे तब फतेहगढ़ रहे 13 दिन जेल में, जेल में भाजपा सरकार नहीं छोड़ रहे, अरे चाहे हमारे यार है चाहे जीत, अरे बराबर बीजेपी को वोट दे, बराबर बराबर। अच्छा ये बताइए, रामशंकर कठेरिया जी चुनाव जीते हैं, आप लोग बताइए तब से लेके 5 साल में इस बूढ़ा दाना में कितनी बार आए हैं? कई बार आए। कितनी बार? कई बार आए, लगभग एक बार, दो बार, तीन बार, कम 4-10 बार आ चुके हैं। अच्छा सर आपका नाम? राजू राज। राजू राजू जी आप बताइए, अगर इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन पहले इंडिया था फिर वो इंडी हो गया, इंडी गठबंधन में वो केवल उनका एक मकसद है कि भले मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, और बीजेपी का जो विजन है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आपके आपकी मतलब राय क्या है? हमारी तो मोदी जी की तरफ है, मोदी को बनना चाहिए, मोदी बनाए जाए प्रधानमंत्री। और इंडी गठबंधन? इंडी गठबंधन तो लगा है साथ में, ममता बनर्जी कह रही है कि हम तो आपकी बार खेला कर देंगे, उनका खुद खेला हो जाएगा आपकी बार। अच्छा आपकी बार मोदी के नेतृत्व नहीं, वो भी तो कह रहे हैं लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी कि आप भी बिहार में भी खेला कर देंगे, उनकी लालटेन खत्म, क्या बुझ गई? बुझ गई, तेल भी खत्म हो गया, चारा घोटाला सब खा गए, चारा ही खा गए, चारा तो बात की बात रही, नहीं चारा तो उनके बाप खाए हैं, बाप ने खाया, अब बेटा भी उसमें चल रहा है, सॉरी उनके पिताजी खाए हैं, उसकी वो जेल काट रहे हैं, लेकिन वो जो लालटेन है वो तेल कहाँ चला गया? वो बस पी गए। कौन पी गया? पी गए, लालू जी तो चारा खा गए। सर सर आप छोटू क्या करते हैं आप? पानी जल्दी बैठो आप, क्या करते हैं? जॉब क्या जॉब करते हैं? अमेज़न में।
क्या केवाईसी डिपार्टमेंट आगे का लक्ष्य क्या आगे का बिजनेस का बिजनेस कौन सा बिजनेस करेंगे ट्रेडिंग। अच्छा एक चीज बताइए लोग कहते हैं रोजगार बेरोजगारी हमेशा रोजगारी की जो विपक्ष होता है वो रोजगारी की बात उठाता है ठीक है ना। आपने कहा कि बिजनेस करेंगे क्या बिजनेस एक रोजगार नहीं है बिल्कुल है क्यों नहीं है ना अगर खतरा काबिलियत है तो सब कुछ मोदी जी ने 36,000 करोड़ जो कर्ज दिया है युवाओं को रोजगार करने के लिए दिया है तो वो नौकरी एक नौकरी और रोजगार नौकरी के लिए तो दिया है रोजगार के लिए तो दिया है तो ये विपक्ष में ये रोजगार रोजगार क्यों चिल्ला रहा है क्योंकि उनके में ये सुविधा नहीं थी ना कि आपको कोई लोन मिलेगा बिजनेस करने के लिए। अच्छा प्रधानमंत्री ने योजना निकाली उसमें लोग ले रहे लोन बिजनेस कर रहे भैया सरकार ज्यादा कमा रही है तो वो तो मतलब आपको मतलब यकीन है कि हम सरकार में नौकरी करेंगे सरकार से ज्यादा बिजनेस ज्यादा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और यही हो भी रहा है यही हो भी रहा है ना सरकारी नौकरी वाला कितना पैदा करता है 50,000 से 70,000 और जो प्राइवेट पे करता है वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पैदा करता है। ये हमारे बूढ़ा दाना के लोग हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर टाइप की चल रही है बीजेपी की और मैं कहूँ कि गांव तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इस समय कटाई गेहूं कटाई का काम चल रहा है लोग घूम रहे हैं अपनी कटाई का ही काम चल रहा है लेकिन 1 लाख और लोग आए हैं भैया आप आ जाइए का थोड़ा सा आप मोदी अच्छे लगते हैं कि राहुल अच्छे लगते हैं मोदी अच्छे लगते हैं राहुल क्यों नहीं क्योंकि जो कहते वो करते हैं। राहुल तो इंदिरा गांधी का पोता है वो है जब राव राजीव गांधी का लड़का है हमने तो उनके कार्यकाल का देखा नहीं तो हम उनके बारे में बस जानते भी नहीं इसलिए बीजेपी वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है मोदी तो चाय बेचते रहे हैं ऐसे अखिलेश जी पढ़े हैं लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो फिर उनके भाई बंधु पहले वो विधायक बन जाते हैं तो आगे जनता परेशान होती है तो फिर क्या होता है इसमें कोई परेशान नहीं है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। चुनावी यात्रा में न्यूज़मैन इंडिया में चुनावी यात्रा में न्यूज़मैन इंडिया के साथ में आशु भदौरिया मैं समय पूरा दाला ग्राम पंचायत औरिया में उपस्थित हूँ और मैं यहाँ पर अपना कार्यकर्ता युवा है। युवा कहते हैं देश की एक शक्ति होती है रीढ़ की रीढ़ होती मानी जाती है युवा और उस देश में जो विदेशों में जो सर्वे हुआ है सबसे ज़्यादा युवा अगर देखें तो अपने इंडिया में युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा पाई गई है। आइए कुछ हम युवाओं से बात भी कर लेते हैं। आइए सर आ जाइए आप सर नाम क्या लोकेन सिंह लोकेन सिंह जी क्या करते हैं आप अब मैं स्टूडेंट हूँ नहीं कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप बीकॉम फाइनल ईयर अच्छा आगे विचार क्या 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 करने का विचार है आपका अभी तो मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ फिर उसके बाद अभी देखूँगा बैंक की तैयारी कर रहा हूँ साथ। अच्छा अच्छा एक चीज़ बताइए अगर आपको एक कहा जाए कि आप जॉब कर लीजिए आपके पापा कहाँ हैं कि बेटा और नौकरी कर लीजिए तो किसको प्राथमिकता देंगे जैसे आपने कहा जॉब कर लीजिए नौकरी कर लीजिए दोनों एक ही बात हो गई जॉब नौकरी वो एक ही बात हो गई जैसा कि आप मतलब यहाँ आए हैं जैसे कि बताते हैं कि पार्टी के चाहे कोई पार्टी हो सबके प्रयोजन कौन से दोनों पार्टी के होते हैं हमारे पास ना तो एक मजबूत अपोजिशन है जिससे मतलब हम एक बार सोच सकें कि बीजेपी के अलावा दूसरा भी कोई अदर ऑप्शन हो कि हम उसके तब जा सकें कि वो पिताजी का बेटा बिजनेस कर लूँ पिताजी कहीं बिजनेस कर लूँ वो तो हमारे ऊपर अगर हमारी कैपेबिलिटी होगी बिजनेस करने की तो ही हम तो बिजनेस करेंगे तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि सब लोग बिजनेस ही करने लगेंगे फिर जॉब कौन करेगा ये भी तो है